वजह से भारत देश में जो स्थिति है, बीते अगर शाम की बात की जाए तो रिपोर्ट ऐसी आई है कि एक दिन में 4000 लोगों का निधन। वाकई में सोचिए जरा क्या स्थिति हो रही होगी, एक दिन में लगभग 4000 लोगों ने हमेशा हमेशा के लिए इस बीमारी से हार मानकर जिंदगी का साथ छोड़ दिया और पिछले एक महीने से इस बीमारी से जूझ रहे हैं। जो स्थिति खराब हो रही है और बीते एक साल में जो स्थिति बिगड़ती ही चली गई, उसकी वजह से क्या हाल है पूरे देश का, पूरी दुनिया भर में जो बीमारी ने मातम फैलाई है, बात अगर किसकी की जाए तो आपको बताना चाहेंगे इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से स्थिति बहुत बुरी है। देश भर में बड़े बड़े दिग्गज, आम से लेकर खास, सब अपनी जिंदगी से हार रहे हैं इस बीमारी की चपेट में जो आ रहा है। तो आपको बताना चाहेंगे एक बफर से रोहित सरदाना को लेकर आई खबरों की। हमने आपको बताया पिछले दिनों सुबह सुबह इस वरिष्ठ पत्रकार के निधन की वो खबर आई कोरोना वायरस की। इससे पहले पिछले एक साल में जब से कोरोना ने दस्तक दिया भारत देश में, तब से कितने बड़े दिग्गजों को, कितने कलाकारों को हमने खोया है, इस पर हम बात करेंगे आपके बीच यहां पर। तो आइए जानते हैं स्पेशल रिपोर्ट में उनके बारे में जिन्होंने कोरोना से जंग हारा और जिन्हें हमने इस कोरोना की महामारी के बीच खोया। देखिए रिपोर्ट। बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखा जाए तो बच्चन परिवार हो या फिर खान परिवार या फिर हो कोई भी कलाकार, इस वक्त बॉलीवुड इंडस्ट्री में सितारों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ झेलनी पड़ रही है। आज हम आपको बता दें महामारी की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से खास तौर पर बॉलीवुड इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान दिन झेलना पड़ा है। और अब तक हम आपको बताना चाहेंगे कोरोना वायरस की वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई कलाकारों का निधन हुआ। अभी तक कई कलाकारों ने इस कोरोना वायरस की वजह से अपनी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। इसमें आपको बता दें कि कई बड़े नाम थे, 2020 से ही शुरू हुआ यह सिलसिला। कोविड की वजह से कई बड़े कलाकारों को हमने खो दिया। पहले आपको बता दें कि कोविड की महामारी में बीमार पड़ने पर इलाज भी नहीं कर पाए करा पाए कई सितारे। इसमें एक नाम है टीवी टाउन की एक मशहूर एक्ट्रेस का, नाम है दिव्या भटनागर। उनका सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में दिव्या भटनागर को आपने देखा होगा। बीते साल 7 दिसंबर को कॉम्प्लिकेशन कोरोना वायरस का उन्हें हुआ। 34 की उम्र में वो हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गई। कहा जाता है कि कोरोना वायरस से वो पीड़ित थी, काफ़ी बुरी उनकी स्थिति थी, लेकिन पूरी सच्चाई सामने नहीं आई कि उनका इलाज सही नहीं हुआ या फिर इलाज सही से कराया नहीं गया। कोरोना वायरस से पीड़ित होने के कारण उनका निधन हुआ ये कहा जा रहा था। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि राहत इंदौरी को भी कोरोना वायरस की वजह से अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा था। जी हाँ, दिव्या भटनागर के बाद राहत इंदौरी वो नाम है जिन्होंने कोविड की वजह से हमेशा के लिए जिंदगी को अलविदा कह दिया। 11 अगस्त की तारीख को काली टेस्ट हुआ था और टेस्ट पॉजिटिव पाए गए थे वो कोविड-19 से इंदौर में, और बिंदु हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया। 70 साल के थे लेकिन वो इस बीमारी से लड़ नहीं सके। लंबे समय तक इलाज उनका नहीं चल सका क्योंकि लंबा समय उन्हें नहीं मिला, वो हमेशा के लिए ज़िंदगी से अलविदा कह बैठे। इसके अलावा सौमित्रा चटर्जी की बात करेंगे। कोलकाता में सौमित्रा चटर्जी का निधन हुआ था। कोरोना वायरस से वो भी पीड़ित थे। आईसीयू में उन्हें रखा गया था। 40 दिन तक वो आईसीयू में रहे लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं होने की वजह से बंगाली एक्टर सौमित्रा चटर्जी का कोलकाता में ही निधन हुआ। 15 नवंबर को उन्होंने अंतिम सांस ली थी। तो वहीं आपको बता दें लेजेंडरी सिंगर SP बाला सुब्रमण्यम ने भी कोरोना की इस महामारी में हमेशा के लिए फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। कोरोना की इस महामारी में उनका भी निधन 25 सितंबर की तारीख को साल 2020 में हुआ था। जिन्हें सिंगिंग मून कहा जाता था, जो कि सलमान खान की आवाज़ भी कहलाते थे, उनके म्यूज़िक लाउड को लेकर हमेशा चर्चा रही। कहा जाता है कि वो भी कोरोना वायरस से पीड़ित थे। महीनों उनका इलाज चला MGM हेल्थ केयर में,
चेन्नई के एक अस्पताल में उनका इलाज चला, लेकिन वो इस बीमारी से लड़ नहीं सकी। इसके अलावा माने अगर खबरों की तो और भी कई कलाकार हैं जिन्होंने इस बीमारी से अपनी ज़िंदगी की अंतिम सांस ली थी। कई कलाकार हैं जिनके बारे में पूरी तरह से खबर नहीं आ पाई थी। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार ही नहीं बल्कि देश के कई जाने माने हस्तियों ने भी कोरोना से अपनी ज़िंदगी में हार का सामना किया। इसमें एक नाम फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट का भी है, यानी कि प्रणब मुखर्जी का, जिन्होंने 31 अगस्त को बीते साल अंतिम सांस ली। दरअसल ब्रेन में क्लॉट होने की वजह से उनकी सर्जरी के बावजूद सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ था। मिलिट्री हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराया गया था। 84 वर्षीय प्रणब मुखर्जी को कोरोना वायरस से संक्रमण में भी पाया गया था सर्जरी के बाद, जिसके बाद उनकी ब्रेन सर्जरी सफल नहीं हुई। हालत क्रिटिकल ही होती चली गई और उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी को विदा कह दिया था। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे, कई ऐसे और भी कलाकार हैं जिन्होंने कोरोना वायरस की इस बुरे स्थिति का सामना किया और पूरी तरह से लड़ते हुए भी जिंदगी के इस जंग में हमेशा के लिए वो हार गए। जानकारी देना चाहेंगे, इस मौके पर हमने लॉकडाउन के समय में कई और कलाकारों को खोया है। सुशांत सिंह राजपूत, ऋषि कपूर, इरफान खान, इन सब ने भी, सरोज खान ने भी हमारा साथ छोड़ा। और कई कलाकार हैं जिन्हें हमेशा याद किया जाएगा। प्रेक्षा से लेकर बात करेंगे हम यहाँ पर। कोरोना वायरस से एक वीक तक पीड़ित रहे जया राम अंजम बघन की, जिनका निधन 10 जून की तारीख को लोकल हॉस्पिटल में हुआ था। एमएलए थे वो डीएमके के, जे अनबसहन, जो कि हमेशा के लिए चल बसे। कोरोना से वो भी पीड़ित थे और वेंटिलेटर के सपोर्ट में थे। इरफान खान से लेकर ऋषि कपूर की जो हमने आपको बताई, उनके बारे में तो सब जानते हैं कि वो बीमारी से ही पीड़ित थे। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत भी मेंटल इलनेस से पीड़ित थे, ये भी खबर आई थी। बीमारी ने इस तरह से सितारों को तोड़ा। कार्डिकल्स से चिरंजीवी सारजा का भी निधन बीते साल हुआ, जो कि चिरू, सिंगा, अम्मा, आई लव यू जैसी फिल्मों में, कन्नड़ फिल्मों में उन्होंने काम कर पहचान बनाई। वाजिद खान ने भी किडनी के डायलिसिस के बाद बीते साल हमेशा के को अलविदा कह दिया। बासु चटर्जी की बात की जाए तो बासु चटर्जी फिल्म मेकर, उन्होंने भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज की वजह से हमेशा के लिए जिंदगी को अलविदा कहा। मोहित बघेल की भी हम बात करना चाहेंगे, जो हमेशा के लिए चल बसे। वहीं कई लोगों ने कैंसर से भी जिंदगी की जंग हारी। हंसी तो फंसी बॉलीवुड फिल्म में काम कर चुके जागेश मुकाथी का भी निधन बीते साल हुआ, जो कि अस्थमा और ओबेसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। और भी कई ऐसे कलाकार हैं जिन्हें हम सब ने खो दिया। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति ग्रिप। कोरोना वायरस की वजह से इतने सारे कलाकारों को हमने खोया। देश के कोहिनूर से लेकर, देश के नौजवानों से लेकर, देश के उभरते सितारों से लेकर, बड़े राजनीतिज्ञ से लेकर फॉर्मर प्रेसिडेंट तक को हमने खोया। गायक हो, लेखक हो, शायर हो, या फिर हो एक्टर, या हो हसीनाए, सब ने अपनी जिंदगी गंवाई। इस बीमारी ने ऐसे तोड़ा, किसी को कैंसर तो किसी को कोरोना ने तोड़ा, किसी की किडनी डायलिसिस तो किसी को हार्ट अटैक। ऐसे ही पिछले एक साल से भारत देश मातम मना रहा है। फिलहाल वक्त हो गया है यही विदा लेने का, वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। लेंगे इजाजत, देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।